गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का चाय बना रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ गर्म गर्म चाय पीने के लिए। अदरक वाली चाय है एंड सुबह का चाय पीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिफ्रेशमेंट पाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड एंड मेरे लिए दोनों के लिए चाय निकाल रही हूँ एंड दूध वाली चाय हम लोग डेली पीते हैं, एक से दो बार मॉर्निंग में ही पी लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीते हैं। एंड चाय पीते पीते मैं अपने संतरे को जो मैं बाबू के लिए ली थी वो मैं पील ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनाने की सोच रही हूँ। क्या बनाने की सोच रही हूँ वो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देख रहिए। एंड आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल होने वाला है, तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्यूटीफुल ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आप देख ही सकते हो सुबह सुबह मेरी क्या ड्यूटी लग चुकी है। कल मैंने बहुत सारे संतरे लिए थे, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे संतरे बाबू अकेला कैसा खा लेगा और नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो वो हो जाएंगे सारे खराब। तो ख़राब तो होने नहीं दे सकती, इसलिए मैं सोच रही हूँ इन सारे जो संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, इनके सारे जूस निकाल दूँ ताकि सब इजीली इसे खा पाए एंड ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि इसे ख़राब होने का कोई चांस ही ना मिले। कैसा लगा मेरा आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों ने देख ही लिया हमारा सुबह सुबह का चाय एंड बाबू को मैंने सुबह का नाश्ता भी खिला दिया है। एंड आई एम सो सॉरी कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है तो कंटिन्यूएशन नहीं कर पाती मैं। तो कल का ब्लॉग मैंने जितना भी किया ब्लॉगिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप मेरा कल का ब्लॉग इवनिंग रूटीन आप लोगों को अच्छा लगा हो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ढल जाऊँ। आप लोग जो चाहो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जितना हो सके। जो आप चाहोगे बहुत बड़ी चीज़ वो तो मैं एग्जैक्टली वैसे शेयर नहीं कर सकती, बट जितना भी हो सके मुझसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आप देख रहे हो मॉर्निंग का फेस मेरा कैसा लग रहा है। मुझे एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करना था आप लोगों के साथ, वो मैं अलग से शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि वो वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा, तो वो वीडियो भी देख ले, ज़रूर आइएगा मेरे चैनल पे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वो वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए एंड जल्दी से जल्दी आप देख लो। तो चलिए मैं ऑरेंजेस को पील करती हूँ एंड जूस बनाती हूँ, कैसे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। डोंट वरी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। हालांकि आप लोगों में से बहुत जन को पता है कि ऐसे जूस बनता है, कैसे बनता है, तो मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो चलिए जल्दी से जूस बना लेते हैं। देखो इतने सारे ऑरेंजेस निकले हैं एंड क्या सो लगता है आप लोगों को कि दो ग्लास जूस निकल जाएगा? क्या लगता है इस वक्त में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इतने सारे ऑरेंजेस में क्या एक से दो कप जूस इजीली निकल जाएगा? होप सो निकल जाए तो अच्छी बात है। एंड देखो ऑरेंज छिलते छिलते मैंने अपना चाय भी नहीं किया, तो आप लोगों ने अपना चाय पी लिया है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप लोगों को कौन सी वाली चाय ज़्यादा पसंद आती है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
गाइस मेरा जो इधर वाला कान है ना अभी भी बंद है। तो चाय हो गया है कंप्लीट। अब मैं जल्दी से जूस बनाने की तैयारी करती हूँ एंड आज के ब्लॉग में मैं टोटली डेडिकेट कर रही हूँ मेरे ऑरेंज जूस के प्रति। यस, आज के टोटल ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि ये ऑरेंज जूस मैं कैसे बनाती हूँ एंड इसका टेस्ट कैसा लगता है। हमने इतने सारे जो ऑरेंजेस है उसमें से कितने ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस निकलते हैं, फ्रेश ऑरेंज जूस है। और एक बात बता दूँ, मैं इसे जूसर में नहीं निकाल रही हूँ, मैं इसे ग्राइंडर में निकाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे मेहनत लगने वाली है क्योंकि ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड आ चुकी हूँ मैं किचन में, जूस बनाने की तैयारी चल रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ग्राइंडर अरेंज कर रही हूँ, मिक्सर ग्राइंडर एंड बड़े वाला जार यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जो सारे जूस हैं वो एक ही बार में हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड हस्बैंड को ऑफिस जाने का भी टाइम है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मुझे जूस भी निकालना है एंड मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। आज के ब्लॉग में हालाँकि मैं आप लोगों को कुछ भी और अलग से नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज मैं जस्ट जूस कैसे बनाती हूँ मैं जूसर की मदद से, नहीं ग्राइंडर की मदद से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आप देख रहे हो कि मैं जो सारे ऑरेंजेस है उनके जो सीड्स है वो सारे सीड्स में निकाल दे रही हूँ क्योंकि सीड्स के साथ में अगर इनको सारे चीज़ों को ग्राइंड अप कर लूँगी तो ये हो जाएंगे कड़वे एंड कड़वा जूस कोई भी नहीं खाने वाला है, तो सारे ऑरेंजेस हो जाएंगे मेरे वेस्ट। एंड आप देख सकते हो कि कितने सारे सीड्स निकल चुके हैं एंड मेरे सारे ऑरेंजेस को भी अलग अलग थोड़ा क्लीन भी कर लिया है एंड सारे सीड्स भी निकाल लिए हैं। अब बारी आती है जूस निकालने की, तो पहले से मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा पानी एंड शुगर ताकि हमारा जो जूस है वो थोड़ा मीठा बने एंड थोड़ा वाटरी बने, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी तो पीने में मज़े नहीं आएगा। तो मैं उस सारे चीज़ों को ऐड करने के बाद चला लूँगी एंड आपको दिख ही पा रहा है कि अच्छे से ये जूस बन रहा है, बहुत ही स्मूदी टाइप का। एंड दोबारा से मैं फिर से कर ले रही हूँ ताकि कोई भी पार्टिकल्स रह ना जाए। एंड हमारा जूस हो गया है रेडी एंड आप लोगों को दिखाती हूँ कि जूस कैसा दिखने में है। एंड आप बाबू को देख ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसके लिए ही बना रही हूँ, वो बार बार ऑरेंज जूस करता रहता है, तो वही ऑरेंज जूस की तैयारी चल रही है। तो देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा अमेजिंग कलर भी हुआ है एंड टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मीठा हुआ था। तो अब बारी आती है मेहनत की एंड आप देख सकते हो मैं छन्नी की मदद से जूस निकाल रही हूँ एंड बाय गॉड यू कांट बिलीव 40 to 60 मिनट्स मुझे लग गया जो एक जार ऑफ ऑरेंज जूस निकालने में। सही में इसमें बहुत ही ज़्यादा कसरत लगती है जूस निकालने के लिए, इसलिए जूसर से ही जूस निकालना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, कन्वीनियंट होता है, बट क्या करें जूसर है नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। तो चलिए कोई नहीं, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आया है। हाँ, मेहनत बहुत सारी लगती है अकॉर्डिंग टू एज़ कंपेरिजन टू जूसर, बट क्या करें मेहनत का फल अच्छा मिलता है तो फिर मेहनत करना भी बनता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सारे जूस को मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन टोटल कितना जूस बना था एंड कितना अमेजिंग टेस्ट था इसका। डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आई एम सो सॉरी, जस्ट ये 3/4 ग्लास ऑफ जूस ही बचा हुआ था क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि बनने के बाद ही सबने पी लिया। यस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी एंड आप देख ही सकते हो कि मुझे बस इतनी ही मिली है। एंड आप लोगों को
अच्छे से और एक बार मैं दिखा देती हूँ कि इसका कंसिस्टेंसी भी जस्ट लाइक प्योर मार्केट के ऑरेंज जूस के जैसा ही लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग भी इस जूस को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा ग्राइंडर में। फ़िलहाल आप लोगों के पास तो जूसर होगा ही, बट क्या करें, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये तरकीब अपना आज़माया। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है जूस मेकिंग का आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज का ब्लॉग हुआ होगा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर एंड पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, साथ ही साथ ऑप्शन रखना ऑल ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच पाए। एंड आप देख सकते हो कि हस्बैंड खा रहे अपना लंच एंड ऑल, एंड ऐसे ही दिन चल रहा है मेरा। एंड ये वाला ब्लॉग जो है मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाने वाली हूँ, तो आप लोगों को पता चलने ही वाला है बाबू जो ड्राइंग कर रहा है वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। वो मैंने पहले ही ब्लॉग पोस्ट कर लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। रिसेंट ब्लॉग है मेरा जिसमें बाबू ने ये जो चीज़ बना रहा है वो क्या बना रहा है आप लोगों को वो मैं रिवील कर रही हूँ, तो जल्दी से जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉच। एंड कल का ब्लॉग अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग था।